हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मिठी। इस वीडियो में हम 17 सितंबर के प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और शुरू करते हैं हम हमारे पहले प्रश्न से। मैं आपको अब तक के जितने भी क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम पे डाले हैं और यूट्यूब पे डाले हैं उनके सारे एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, तो इससे आपका जो है रिविज़न भी होता रहेगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो क्वेश्चंस आपको थोड़े कंफ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट लग रहे थे उसमें आपका थोड़ी सेटिस्फेक्शन और एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अबाउट नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में करेक्ट ऑप्शन बताइए। पहला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ द पैट्रॉन इन चीफ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके पैट्रॉन इन चीफ होते हैं। दूसरा, जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। तो एक तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो तो आपके सीनियर मोस्ट जज होते ही हैं, इनके बाद जो जज होते हैं सीनियर मोस्ट जज होते हैं, सेकंड सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद, वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, गलत कुछ भी नहीं है। नालसा के बारे में पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। इनके बारे में थोड़ा डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। नालसा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी है मतलब एक एक्ट से आई है। एक्ट का नाम है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। काम क्या है, लीगल सर्विस प्रोवाइड करती है फ्री किसको, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कैसे, लोक अदालत ऑर्गेनाइज करवा के, जिसको हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म किससे रिलेटेड है, लोकसभा। तो ये क्या होते हैं कि एक तरीके से ना जो काफ़ी न्यूज़ में रहने वाली चीज़ें होती है, तो इनके बीच में से भी कई बार वर्ड्स पकड़ के यूपीएससी डाल देता है। जब ऑप्शन तरह तरह के सेंटेंस नहीं बन सकते तो वो एक फैक्ट पकड़ लेगा। कोई भी एग्रीमेंट इंटरनेशनल, कोई भी ऐसा डिक्लेरेशन आए, कोई भी कुछ भी एग्रीमेंट निकल के आए, कुछ भी ऐसा ग्रुप निकल के आए इंटरनेशनल ग्रुपिंग में, तो उनकी वर्डिंग पे फोकस क्या करो कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव को वो डाल देते हैं और देखते हैं ये किस ऑर्गेनाइजेशन से या किस एग्रीमेंट से या किस डिक्लेरेशन से या किस ग्रुपिंग से जुड़ा हुआ है। तो नालसा के बारे में आपको पता चले गया होगा, किसके चेयरमैन मैंने आपको बताई दिया, CGI ऑफ इंडिया पैट्रॉन इन चीफ होते हैं, CGI जो होते हैं पैटर्न इन चीफ होते हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सेकंड सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। ये तो मैंने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात की। ऐसी ही स्टेट लेवल पे भी होती है, स्टेट लेवल पे भी सेम फ्रेमवर्क है, वहाँ भी हाई कोर्ट होते हैं। तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो पैटर्न इन चीफ हो गया और सेकेंड जो सीनियर मोस्ट जज हो गया हाई कोर्ट का स्टेट का, वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हो गया। ऐसे डिस्ट्रिक्ट में, अब डिस्ट्रिक्ट में तो क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है ना वही इसका पूरा तरीके से चेयरमैन होता है और ऐसा कुछ खास इसमें फ्रेमवर्क अलग से कुछ है नहीं, ठीक है। तो स्टेट में भी होता है, डिस्ट्रिक्ट में भी होता है, नेशनल में तो होता ही है। तो डिस्ट्रिक्ट तक इसका जो है काम होता है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। न्यायदीप नाम का न्यूज़लेटर इसका आता है, न्यायदीप। मैंने क्वेश्चन भी डाला था पिछले कुछ दिनों पहले कि न्यायदीप किसका न्यूज़लेटर है, न्यायदीप है नालसा का। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अब इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट नाडग्रिड। नाडग्रिड के बारे में असत्य, फॉल्स, इनकरेक्ट, झूठा स्टेटमेंट बताइए, ऑप्शन बताइए। पहला, नाडग्रिड 2008 के मुंबई अटैक के बाद में अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में आया। नाडग्रिड को हेड करते कैबिनेट सेक्रेटरी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है और इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो सेकेंड स्टेटमेंट ही यहाँ पे गलत होगा। बच्चे कई बार करेक्ट इनकरेक्ट देखते नहीं हैं और सीधे जो है यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे बच्चे करने की कोशिश करते हैं। इसलिए पहले कितना भी क्वेश्चन हो दो बार चेक करिए, ट्रूथ और फॉल्स देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, फिर एक कदम आगे बढ़ाइए। पहले ये श्योर कर लीजिए, 100 के 100 क्वेश्चन में ये जरूर श्योर करना कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, एक एक नंबर आपका कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अच्छा, नाडग्रिड
हेड किस कौन करता है फिर? इसको करता है सीनियर आईपीएस ऑफिसर, और कैबिनेट सेक्रेटरी अपना आईएएस होता है, टॉप ब्यूरो टॉप आईएएस जो होता है वो कंट्री का वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। तो आईपीएस ऑफिसर इसको हेड करता है, आईएएस नहीं करता। आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज एच के अकॉर्डिंग पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है? पब्लिक अथॉरिटी कैसे एस्टेब्लिश होती है? तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बने, पार्लियामेंट के द्वारा, लॉ के द्वारा बने, स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ के द्वारा बने, या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा बने। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई सी भी हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट, जो भी बताया गया है एक्ट के अंदर। तो कुल ये चार चीज़ें हैं, चारों सही है। मैंने रिविजन के लिए क्वेश्चन डाला था मोस्टली, और बहुत सारे बच्चों ने सही किया, काफ़ी अच्छी बात है। पढ़िए आरटीआई एक्ट के बारे में पढ़िए, ये मैंने एक अच्छा कोड डाला था, तो पढ़ लीजिए इसको पोस्ट करके। मैं आगे टाइम वेस्ट ना करते हुए जो है क्वेश्चन करवाता हूँ। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला, पैरोल और फर्लो कवर्ड है प्रिजन एक्ट ऑफ 1894। पहले तो ये समझिए कि पैरोल और फर्लो क्या होता है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें समझना ज़रूरी है। पैरोल क्या होता है? संजय दत्त याद है आपको? संजय दत्त पैरोल पे आए थे मेडिकल ग्राउंड्स की वजह से। तो ये पैरोल वही चीज़ है, पैरोल फर्लो मिलती रहती है कैदियों को। फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क जानते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो पैरोल होता है ये क्या होता है। देखिए, पैरोल और फर्लो, पहले तो समझिए जो प्रिजन्स है, प्रिजन्स वो स्टेट सब्जेक्ट है, अपने स्टेट सब्जेक्ट है। और इसके अंदर जो प्रिजन में जो पैरोल आता है, फर्लो आता है, इन पे कानून हमारे स्टेट लेजिस्लेचर ही बनाते हैं। लेकिन ये जो एक्ट है, प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894, जो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये आज़ादी से पहले का है, उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं, सेपरेट लिस्ट कुछ खास ऐसी थी नहीं, तो तब ये कवर हो गया था। आज तो स्टेट ही बना सकते हैं, हालांकि इनके कुछ बेसिक्स हैं, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन पैरोल और फर्लो की बेसिक्स होते हैं कि पैरोल में यही कर सकते हो, फर्लो में यही कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कई बार गाइडलाइन भी जारी की इसके अकॉर्डिंग, कि भाई कमेटी भी बैठा हो अच्छे से, तब जाके पैरोल दो, उसमें एक्सपर्ट्स होने चाहिए। तो हम बेसिक पढ़ते हैं अभी। पैरोल क्या होता है? एक तरीके से सेंटेंस का सस्पेंशन होता है, राइट नहीं होता, किसी का अधिकार नहीं होता, कंडीशनल होता है। बिहेवियर देखते हैं, व्यवहार देखते हैं। संजय दत्त ने बहुत अच्छे से काम किया जेल में, व्यवहार सबसे अच्छा रखा, अच्छे से बोले चले, तो उनको पैरोल मिल गया। हर किसी को जो पैरोल अच्छे से करता है उसको कंडीशनली ये मिल जाता है, जो बिहेवियर अच्छे से करता है उसको पैरोल ये मिल जाता है। पैरोल जो होता है बेसिकली कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आपको छूट मिल जाती है बाहर रहने के लिए, लेकिन इसमें पब्लिक को रिपोर्ट, मतलब इसमें पब्लिक रिपोर्टिंग, पीरियडिक रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है कुछ समय के लिए। इसमें बार बार रिपोर्ट करना पड़ता है कि कब छोड़ा, कहाँ है, कैसे हैं, ठीक है। कुल मिला के पैरोल एक अच्छी चीज़ है देश के अंदर, जो बिहेवियर पे कैदियों को छोड़ने का प्रयास करती है कुछ समय के लिए। पैरोल स्टेट, मैंने बताया प्रिजन स्टेट सब्जेक्ट है, तो पैरोल की भी स्टेट्स की अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव ही पैरोल को ग्रांट करता है, और सुप्रिटेंडेंट होता है जेल का, वो 7 दिन इमरजेंसी में 7 दिन तक की पैरोल भी दे सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको, एग्जांपल दिया संजय दत्त वाला, तो ये याद रखिए, ये मैंने पैरोल के बारे में बताया आपको कि पैरोल जो है वो कंडीशनली होता है, बिहेवियर देख के होता है। आपका कोई हक नहीं है कि आप हक मांगने के लिए भूख हड़ताल कर लो कि भैया पैरोल चाहिए मेरे को, नहीं। फर्लो ये आपका जो होता है ये बेसिक, अच्छा मेरा प्रोनंसिएशन अगर गलत हो, ये वर्ड मुझे पढ़ना नहीं आ रहा तो माफ़ कर दीजिए, फर्लो जो है लॉन्ग टर्म इम्प्रिजमेंट के लिए होता है, और राइट होता है, हक होता है उसका, जरूरी नहीं है उसका बिहेवियर अच्छा हो बुरा हो, लेकिन हक के अनुसार आधिकारिक रूप से एज अ मैटर ऑफ राइट द पर्सन विल डेफिनेटली गेट फर्लो, एंड इट इज़ गिवन इन द केसेस ऑफ लॉन्ग टर्म इम्प्रिजमेंट। जब भी प्रिजनर्स को प्रिजनर को फर्लो मिलता है तो उसका कारण नहीं देखा जाता। हाँ, उसको फैमिली के लिए भी जा सकता है, वो सोशल टाइज के लिए जा सकता है, बीमारी हो गई तो भी जा सकता है, लेकिन जाना तो उसको पड़ेगा ही, फिर वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है जो उसको सूटेबल लगता है। कुल मिला के साल भर में 3 बार फर्लो आ सकती है, क्योंकि मैटर ऑफ राइट है तो कम मिलती है। ये भी प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 में कवर्ड है। तो पैरोल और फर्लो दोनों प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 में कवर्ड है, और पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रिजन एक्ट होता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, रूल बताता है कि पैरोल कैसे ग्रांट होगी, बिल्कुल सही। थर्ड स्टेटमेंट है कि पैरोल इज ग्रांटेड बाय द स्टेट एग्जीक्यूटिव, ये भी सही। अभी हमने बोला स्टेट एग्जीक्यूटिव ग्रांट करता है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल भी कर सकता है 7 दिन के लिए मैक्सिमम इमरजेंसी में।
ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को। तो इमरजेंसी में 7 दिन के लिए कर सकता है अप टू पीरियड ऑफ 7 डे। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं और तीनों बाकी पैरोल और फरलो के बारे में मैंने बता दिया है, तो याद रखिएगा। और कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में कि वापस बता दो, या फिर कोई आपको लग रहा हो कि कोई चीज़ है जो सेंटेंस है, कोई वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, बाकी इसके बारे में आप रिवाइज कर सकते हैं बार बार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स के विद रेफरेंस टू द अर्थक्वेक्स इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। पहला, जहाँ पे एनर्जी निकलती है उसे फोकस कहते हैं, हाइपोसेंटर कहते हैं अर्थक्वेक का, बिल्कुल सही पॉइंट। अच्छा, फोकस के ऊपर यानी जो हाइपोसेंटर होता है ना अर्थक्वेक का, भाई जहाँ एनर्जी निकली मेन, उसको क्या कहते हैं, फोकस और हाइपोसेंटर। अब वहाँ से जो सीधा सरफेस पे पॉइंट है ऊपर, अर्थक्वेक के ऊपर, अर्थक्वेक नीचे आता है ना अपना, कौन सी लेयर में आता है मुझे बताओ, शायद लिथोस्फेयर में आता है जहाँ तक मुझे याद है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। वहाँ से जो अर्थक्वेक निकलता है उसका जो पॉइंट होता है जहाँ पर अर्थ एनर्जी निकलती है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, उसको फोकस और हाइपोसेंटर कहते हैं, और उसके जस्ट ऊपर सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और पूछ क्यों रहा है, इनकरेक्ट। तो डी आंसर होना चाहिए था, इनकरेक्ट करेक्ट जरूर पढ़िए, मैं फिर से कह रहा हूँ, 32% लोगों ने इसको सही किया है। तो करेक्ट इनकरेक्ट का खेल जो है यहाँ पे थोड़ा सा सावधानीपूर्वक खेलना चाहिए। अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अर्थक्वेक की वेव्स जानते हैं ना आप, बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स होती है जब एनर्जी रिलीज होती है तभी निकलती है, बॉडी वेव्स हर जगह जाती है। बॉडी वेव्स दो तरह की होती है, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स थोड़ी फास्ट होती है, एस वेव्स थोड़ी स्लो होती है। पी वेव्स जो है वो गैस, लिक्विड, सॉलिड में कहीं भी जा सकती है, लेकिन एस वेव जो है वो केवल और केवल सॉलिड में जाती है। तो बॉडी वेव्स आती है पहले, उससे भी बॉडी वेव्स में भी पहले पी वेव्स आती है, फिर एस वेव्स आती है, फिर उसके बाद सरफेस वेव्स आती है। सरफेस वेव्स तब आती है जब बॉडी वेव्स जाके सरफेस से टकरा जाए, और टकराने के बाद जो वेव्स निकलती है उन्हें सरफेस वेव्स कहते हैं। ये सरफेस के अकॉर्डिंग मूव करती रहती है, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उस हिसाब से ट्रैवल करती रहेंगी, वेलोसिटी चेंज होती रहेंगी। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और लास्ट चीज़ मैं बता दूँ, अर्थक्वेक के स्केल बता देता हूँ आपको। रिक्टर स्केल आपका होता है, सुना होगा आपने, वो मैग्नीट्यूड स्केल होता है, ये देखता है कितनी ज़्यादा एनर्जी निकली। एक होता है आपका मर्कली, वो होता है इंटेंसिटी, वो डैमेज देखता है। रिक्टर स्केल जो है वो आपका मैग्नीट्यूड देखता है, एनर्जी कितनी ज़्यादा एनर्जी निकली, और मर्कली क्या देखता है, डैमेज, विजिबल डैमेज। मर्कली जो स्केल होता है विजिबल डैमेज देखता है। मर्कली इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट था, तो याद रखिए कि विजिबल डैमेज देखने के लिए मर्कली है। देखिए बेसिक चीज़ें होती हैं, ये चीज़ हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं, मैं भी करता था, तो ये चीज़ें याद रखिए थोड़ा सा। रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड एनर्जी, और मर्कली स्केल डैमेज यानी कि इंटेंसिटी। मर्कली स्केल इंटेंसिटी डैमेज, और रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड और एनर्जी। मर्कली वापस बोलूँ, मर्कली आपका इंटेंसिटी स्केल और डैमेज, रिक्टर स्केल आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैं शायद लगता है ज़्यादा रिवीजन का, अच्छी बात है, खैर बार बार बोलूँगा तो याद हो जाएगा, पर फिर भी जो है आपको ये लिख लो, या फिर एनसीईआरटी में दे रखा है आपके फिजिकल ज्योग्राफी में 12th वाली जो क्लास है उसमें, तो ये याद रखिए, आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। नारी शक्ति पुरस्कार, अच्छा कुछ क्वेश्चन छोड़ थोड़े दिया हमने, नहीं, नारी शक्ति पुरस्कार, अच्छा नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिए कि जो आपके सुनामी आती है ना, वो अर्थक्वेक से नहीं आती, कुछ लोग सोचते हैं डायरेक्टली अर्थक्वेक से नहीं आती, अर्थक्वेक का जो ट्रेमर होता है उससे निकल के आती है। भाई जो ओशियन में अगर जो एपिसेंटर होता है, एपिसेंटर मैंने आपको बताया कि जहाँ पे जो फोकस होता है अर्थक्वेक का, जो अर्थक्वेक जहाँ पे एनर्जी निकलती है उसको कहते हैं फोकस और हाइपोसेंटर, और जो सरफेस पे पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, एपिसेंटर। सरफेस पे पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, एपिसेंटर। तो जो एपिसेंटर होता है अगर ओशियन में, वो ओशियन वाटर्स के नीचे हो, ट्रेमर का एपिसेंटर, तब जाके काफ़ी ज़्यादा सुनामी निकल के आती, बहुत मैग्नीट्यूड से निकल के आती है, ठीक है। तो ट्रेमर से बनती है, ट्रेमर अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक से ट्रेमर आए, थोड़े झटके आए, शॉक वेव्स, और शॉक वेव से सुनामी बनती है, डायरेक्टली अर्थक्वेक से नहीं बनती। नारी शक्ति पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट अनाउंस करते हैं,
नेशनल अवार्ड्स फॉर एमिनेंट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन बताना था, ये सही है। नारी शक्ति पुरस्कार का कैश अवार्ड होता है, 1,00,000 का सर्टिफिकेट होता है इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन के लिए, बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, भूल मत जाना, जैसे वापस देख लीजिए, इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल दोनों हैं, 1,00,000 का पुरस्कार है, कैश और सर्टिफिकेट है, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अनाउंस करती है। इस्तांबुल कन्वेंशन के बारे में करेक्ट ऑप्शन बताइए, पहला, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन, काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन इसको कहते हैं, वुमेन और डोमेस्टिक वॉयलेंस होती है उसके अगेंस्ट वॉयलेंस रोकने के लिए ये बना है ये। सेकेंड, द ट्रीटी इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू प्रिवेंट एंड टैकल वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये दुनिया की पहली नॉन बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है वॉयलेंस रोकने के लिए वुमेन के अगेंस्ट। पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बाइंडिंग है, वर्ल्ड की पहली बाइंडिंग है, काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन इसको कहते हैं, ये आपका आया था 2011 में आया था, और इसको इस्तांबुल कन्वेंशन कहते हैं, इस्तांबुल कहाँ पे है, टर्की में, इस्तांबुल कन्वेंशन इसको कहते हैं और काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन भी इसको कहते हैं, दुनिया की पहली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, बाइंडिंग है, जो कि मूवमेंट के अगेंस्ट वॉयलेंस को रोकती है। क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है, सवाल ये है कि क्या भारत इसको साइन कर रखा है, नहीं, क्या भारत ने इसको रेटिफाई कर रखा है, नहीं। अच्छा, साइन और रेटिफाई में फ़र्क क्या होता है, साइन होता है जब आप किसी चीज़ की इच्छा जताते हो कि हाँ हमने इसको साइन कर लिया है और हाँ हम इसका ख्याल रखेंगे, हालांकि हम लीगली बाइंडिंग नहीं है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, हालांकि हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसको हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन लीगली बाइंडिंग नहीं है। रेटिफाई करने का मतलब है भाई साहब हम लीगली बाइंडिंग है और कोई दिक्कत आए तो हम जो है लीगली लाइबल है इसके लिए। MOU जो होता है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सुना होगा आपने कि मिनिस्ट्री ने MOU साइन कर लिया उसके साथ या इंडिया ने साइन कर लिया, वो MOU भी यही होता है, लीगली बाइंडिंग नहीं होता, साइन होता है ना, एक फर्स्ट एग्रीमेंट होता है जो लीगली बाइंडिंग नहीं होता। हाँ भाई, हमने इच्छा जता दी कि हम आपके साथ कुछ करना चाहते, मतलब डिज़ायर है कि आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं या फिर हम ये चीज़ साइन कर रहे हैं, लेकिन लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो साइन कर लो चाहे MOU कर लो तो वो बात वही है, रेटिफाई करने पे आप लीगली उसके लिए बाइंडिंग हो जाते हो। तो भारत ने ना साइन किया ना रेटिफाई किया। ऐसे UN कन्वेंशन ऑन टॉर्चर है, उसको इंडिया ने साइन तो कर लिया पर शायद रेटिफाई नहीं किया, ठीक है, तो वो भी न्यूज़ में तो उसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रिवाइज करते रहिए। पहला इस ऑप्शन यहाँ पे सही है ए, याद रखिएगा, 860 बच्चों ने इसको किया और 24 बच्चों ने सही किया, 24% बच्चों ने सही किया। कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इज़, इन्फेक्शन का जो कम्युनिटी स्प्रेड होता है वो क्या होता है, पहला ए, जब आप सोर्स नहीं जानते, बी, जब आप इसको ट्रेस बैक नहीं कर पाते उस पर्सन को जो जगह जगह जाके घूम के आ गया मज़े में आराम से और दूसरों को फैला दिया, तो सी है, बोथ ऑफ देम, कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कहलाता है। 17 सितंबर के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, थोड़ी देर में 18 सितंबर के भी लाऊंगा, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा रिवीजन इससे हुआ होगा, और अगर आपको डीप में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कैसी लगी ये वीडियो टिप्पणी करके कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद, गुड बाय, आनंद में रहो, बाय।